साध्य और साधन, साधन ध्येय भी कह सकते हैं, एक ही बात है। उस ध्येय को पाने के लिए, उस साध्य तक पहुंचने के लिए साधन अपनाते हैं। यहाँ से चौक जाना हो, चौक जाना एक ध्येय है, लेकिन हम साइकिल से या मोटरसाइकिल से जाते हैं, वो साधन है। तो साध्य और साधन वस्तुतः हम अलग अलग मानते हैं, लेकिन साध्य और साधन, ध्येय और साधन, ये अलग अलग इसे नहीं किया जा सकता है, इसे अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अंतरात्मा हमें सिखाती है कि ध्येय और साधन को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब क्या सिखाती है कि ध्येय दरअसल साधनों में विद्यमान होता है, ध्येय साधनों में ही विद्यमान है। ये इमैनुअल कांट ने भी ये बात कही कि ध्येय को पाने के लिए प्रयुक्त साधन भी ध्येय जितने ही महत्वपूर्ण हो। आगे चलकर और साफ होने वाले हैं। ध्येय को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए, उद्देश्य को पाने के लिए, साध्य को पाने के लिए जो प्रयुक्त साधन भी ध्येय जितने ही महत्वपूर्ण हो। और इसका विपरीत भी बात कही गई, मैकियावेली ने इसका विपरीत सिखाया कि ध्येय साधनों को तर्क संगत बनाते हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। देखिए, गांधी जी ने एक बात कही है, उन्होंने सात बातें, सात चीजों पर विचार करें, जिसको गांधी जी ने कहा कि इसके अनुसार वो हमें नष्ट कर देंगी। सात चीजें ऐसी है जिसके अनुसार यदि करेंगे तो हमें नष्ट कर देंगी। कैसे? उन्होंने क्या कहा है कि काम के बिना संपत्ति, काम के बिना संपत्ति, कोई संपत्ति चाहे और काम न करना चाहे, मतलब जैसे भी आ जाए, जैसे भी आ जाए, तो क्या है, आप कुछ करना न चाहें और धन आ जाए, इसका मतलब क्या है, आप गलत तरीका अपनाएंगे, गलत साधन अपनाएंगे, तो वो आपको नष्ट कर देने वाली। अंतरात्मा के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यवसाय, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना आराधना, सिद्धांत के बिना राजनीति। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इन सब में किसी गैर सैद्धांतिक या अनुचित साधन द्वारा ध्येय हासिल किया जाता है। मैंने कहा ना अभी कि मानवता के बिना विज्ञान, अब विज्ञान मात्र हो और मानवता न हो उसमें, तो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, वो कितना नुकसानदेह है। त्याग के बिना आराधना, आप आराधना कर रहे हैं और त्याग ही नहीं है, तो आराधना कैसे होगी? आराधना नहीं हो सकती, इसका मतलब आराधना केवल दिखावा हो सकती है फिर, क्योंकि आप कुछ करेंगे तो उसके लिए कुछ त्याग करना पड़ेगा। सिद्धांत के बिना राजनीति, इसका मतलब यह हुआ कि अनुचित साधन के द्वारा हम ध्येय को हासिल करने का प्रयास करने हैं, तो ध्येय तो प्रशंसनीय है, लेकिन इन्हें झूठे तरीके से हासिल किया गया। जो ध्येय बताए गए हैं, जैसे संपत्ति है, ज्ञान है, विज्ञान है, व्यवसाय है, आराधना है, ये तो सही है, लेकिन जो इसे प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए गए हैं वो अनुचित है, वो अनुचित हैं, इसलिए वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। अगर हम गलत साधन से प्रशंसनीय ध्येय तक पहुंचते हैं तो क्या होगा, अंततः ये हमारे हाथ में आने के बाद में वो मिट्टी हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अंतरात्मा ही हमें लगातार ध्येयों और साधनों के महत्व के बारे में बताती है
कि अंतरात्मा यह भी बताती है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अंतरात्मा के संबंध में जो स्टीफन ने कहा है उसको थोड़ा से समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं कि अंतरात्मा त्याग है। अंतरात्मा त्याग है, क्या मतलब इसका? स्वयं या अपने अहम को किसी उच्चतर उद्देश्य, लक्ष्य या सिद्धांत के अधीन रखना। जो हमारा अहम है या हम स्वयं हैं, इसे क्या करना है? किसी उच्चतर उद्देश्य के उसको अधीन रखना, उसके अधीन ही रखना। ऐसा ना हो कि अहम ज्यादा बोलने लगे और आपका उद्देश्य नीचे रह जाए। एक बार इसको थोड़ा और स्पष्ट कर लेते हैं। त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है? किसी अच्छी चीज को उससे बेहतर चीज के लिए छोड़ देना। किसी अच्छी चीज को उससे बेहतर चीज के लिए छोड़ देना, मतलब जो महत्वपूर्ण है लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, उसके लिए उस महत्वपूर्ण को छोड़ दिया गया। ये सारे त्याग क्यों हो रहे हैं? आखिर में जिसे महत्वपूर्ण माना गया संसार में, उसको छोड़ दिया गया, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए उसको छोड़ा गया। ये उदाहरण गुरुदेव जी भी कहा करते थे कि एक राजा ने एक संत से कहा, आप महात्यागी हैं। संत ने कहा, मैं नहीं, महात्यागी आप हैं। आप कैसी बात कह रहे हैं? आप तो, मैं तो गृहस्थ हूं, आप कह रहे हैं कि त्यागी हैं, तो स्पष्ट करिए आप जो कह रहे हैं। उन्होंने कहा, सांसारिक सुख क्या है? वो क्षणिक है, और जो आत्मजनित सुख है, मोक्ष का सुख है, जीवन मुक्ति सुख है, विदेह मुक्ति सुख है, वो शाश्वत है। तो शाश्वत सुख को छोड़ करके, मतलब बड़े को छोड़ करके, आप क्षणिक सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्षणिक सुख को पाना चाहते हैं, तो बड़े का त्याग कर दे आप, इसलिए बड़े त्यागी हो गए, महात्यागी हो गए। मैंने तो क्षणिक सुख को ही त्यागा है, और क्षणिक सुख को त्याग करके ज्यादा पाना चाहता हूं, तो त्यागी कौन बड़ा हुआ? कौन बड़ा हुआ? मैं नहीं, आप। यहां भाव यह है कि जो उच्चतर ध्येय है, देखिए इसको मैं स्पष्ट करूं कि वस्तुतः यह त्याग करने वाले व्यक्ति के लिए दरअसल त्याग नहीं है, वो देखने वाले की दृष्टि से है। ये गुरुदेव जी भी कहा करते थे, जैसे कोई फोड़ा हो गया हो और उसमें मरहम पट्टी लगाएं, तो मरहम पट्टी लगा करके क्या हम करने का? मैंने इतनी दवाई की, इतनी कीमत की दवाई की, अरे फोड़ा है, दवाई कर लो। ऐसे ही ये तमाम मनोविकार है, और इसको लेकर के हम दुखी हैं। उसी दुख से निजात पाने के लिए हमने ये साधन अपनाया है, ये हमने त्याग किया है, और उसके लिए लेकर के हम माने कि हम त्याग कर रहे हैं। त्याग नहीं है, ये वस्तुतः कुछ और पाना है। तो दूसरे लोगों के मन में तो हो सकता है कि ये त्याग कर रहा है, लेकिन त्याग करने वाले की दृष्टि से कोई त्याग नहीं है वो। अब त्याग के कई रूप थोड़ा से हो सकते हैं। कैसे? जीवन के जो चार आयाम हैं उसमें अलग अलग ये रूप बन सकते हैं। जैसे हम भौतिक त्याग करते हैं, आर्थिक त्याग करते हैं, तो किस पर है? इस शरीर के आधार पर। हम भौतिक त्याग कैसे? हमारे पास धन है या और कुछ चीजें हैं, हमने त्याग दिया, बड़ा स्थूल है ये, शारीरिक स्तर पर इसको मान सकते हैं। लेकिन यदि हम और अधिक जिज्ञासु बनना चाहें, खुले रूप में ओपनली बनना चाहें, तो क्या होगा? पूर्वाग्रहों का त्याग। जो हमने कुछ मान्यताएं अर्जित कर ली है उसको हम छोड़ देंगे, और क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम थोड़ा और अच्छे से उसको समझना चाहेंगे। ये क्या है? मस्तिष्क की, मस्तिष्क मतलब मन, मन के स्तर पर त्याग हुआ। और हृदय के स्तर पर क्या होगा? कि दूसरों के प्रति गहरा सम्मान, दूसरों के प्रति गहरा सम्मान या प्रेम दर्शाना,
राग और द्वेष का त्याग नहीं करेंगे तो आप प्रेम नहीं दर्शा सकते हैं, आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं। अहम का त्याग नहीं करेंगे, सम्मान नहीं दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से जो आत्मा के स्तर पर, ये हृदय के स्तर पर, और आत्मा के स्तर पर क्या है, अपनी इच्छा को व्यापक भलाई की उच्चतर इच्छा के अधीन रखना, अपनी इच्छा को व्यापक भलाई मतलब बहुत विस्तार, मतलब कोई सीमा ना रह जाए। जैसे शत्रु कवि ने क्या कहा, मैं रो यह जगत को, क्या कहा, मैं रो यह जगत को। जगत का मतलब पूरा व्यापक, न वे अपना परिवार के लिए रोते हैं, न किसी वर्ग के लिए, न देश के लिए, न संप्रदाय के लिए। क्या कह रहे हैं, मैं रो यह जगत को, सब को छोड़ दिया गया और एकदम उच्च स्तर पर आ गए, आत्मक स्तर पर, लेवल पर आ गए। मतलब घाव काही पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो, इतना व्यापक दृष्टिकोण उनका हो गया। इसलिए तो कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, आज कहां माना जा रहा है, अपना अपना। तो जब आत्मा के स्तर पर आप पहुंच जाएंगे, उसका उसका त्याग का भाव क्या होगा, आप जो अपनी इच्छा है उसको व्यापक भलाई की उच्चतर उच्चतर इच्छा के अधीन में रखना। इस प्रकार से यह वसुधैव कुटुंबकम का भाव होगा। दूसरी ओर क्या होगा, यंत्रात्मा की बात, दूसरी ओर अहम हमें क्या बताता है कि ध्येय से साधन तरसंग साबित होते हैं। आप ये बताएं, आप कुछ भी कर ले जाएं और जब अर्जित कर लें तब उसको आप सही सिद्ध करने लग जाएं, नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये अहम बोल रहा है, अंतरात्मा की आवाज नहीं हो सकती है। आप अपनी अहम से चाहे जैसे संपत्ति अर्जित कर लें और उसको आप सही सिद्ध करने लग जाएं, तर्क संगत बनाने, तो ये अहम ही बोल सकता है, अंतरात्मा गवाही नहीं देगी। अंदर से वहां पर आप संतुष्टि हासिल नहीं कर सकते हैं। मतलब यह लग सकता है कि आप ऐसा आप कर सकते हैं, मतलब क्या, उचित ध्येय कभी अनुचित साधन से हम हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करने, ऐसा कोई कर भी सकता है, अनुचित ध्येय अनुचित साधन अपना ले और उस ध्येय को हासिल भी कर ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि हम ऐसे गैर इदातन परिणाम जब हमारे सामने जब परिणाम आएंगे ना, वो परिणाम फिर जिन्हें हम पहले से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब उसको हम पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे तो अंदाज तो नहीं लगाएगा क्या परिणाम आएगा कह करके, लेकिन अंततः वो जो ध्येय होगा ना, हमें नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसको इस ढंग से थोड़ा सा समझ लें, जैसे कोई बच्चा हो या अपने साथी हो, बच्चे को ही कहा जा रहा है कि तुम, और चिल्ला के जोर से डांट करके कह रहे हैं कमरा साफ करो, चिल्लाया गया अपने साथी को, चिल्ला करके किसी काम को उसको करने के लिए विवश किया गया, कमरा साफ तो हो जाएगा, काम तो हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, इससे उससे जो उसके जो संबंध होंगे ना, उस संबंध की क्या स्थिति होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, आप समझ रहे हैं, इससे जो संबंध में जो दरार पड़ेगी, जो आप भय के द्वारा किसी को काम करवाते हैं और ये समझेंगे काम हो गया। एक बात बताऊं मैं, भय जहां होगा ना वहां प्रेम नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा है भय बिना प्रीत ना होए, ये गलत है। भय के बिना प्रीत नहीं, भय से प्रीत नहीं होती है, भय से घृणा होती है। ये ध्यान दो, जिसने हमको भय दिया है क्या उनके प्रति प्रेम हो सकता है, नहीं हो सकता है। निर्भयता, मैंने एक दिन कहा था ना, जहां जो आदमी हमें अच्छा महसूस कराता है वे हमें पसंद आते हैं, उनके साथ हम रहना चाहते हैं, और जो हमें बुरा महसूस कराए, जो हमें गलत ढंग से हमारी आलोचना करे, उसको हम पसंद नहीं करते हैं। मतलब बात यह है, देखिए आपके रहते तब तो ठीक है कमरा साफ भी हो जाएगा, लेकिन जब आप चले जाएंगे तो कमरा साफ नहीं होगा।
मतलब आप यदि किसी को किसी काम को जोर जबरदस्ती से करते हैं, अधिकार का प्रयोग करके करते हैं, तो आपकी उपस्थिति में वह काम होता रहेगा, लेकिन अनुपस्थिति में वो नहीं होगा। और संबंध जनित जो विकार आएंगे वो अलग ही है, वो नुकसान पहुंचाने वाले। तो गलत साधन से आप किसी ध्येय तक भी पहुंच जाएंगे तो वो हमें नुकसान कराने वाले। असल में साधन ही विकसित होकर के साध्य बन जाता है। इसको इस ढंग से, साधन ही विकसित होकर के साध्य बन जाते हैं, ये दो चीजें नहीं है, बीज बीज और वृक्ष, आप समझिए इसको, बीज और वृक्ष ये दो नहीं है, जन्म और मृत्यु ये दो नहीं है, ये बीज ही एक चीज विकसित होकर के दूसरी हो गई। आप बताएं, बीज ही विकसित होकर क्या हो गया? बीज ही विकसित करके वृक्ष बन गया। अब क्यों ऐसा लगता है कि अलग अलग हैं? इसलिए लगता है कि समय लगता है, इसको हम कहते हैं टाइम गैप कहते हैं, ये थोड़ा सा फासला है। इसलिए भ्रांति होती है, भ्रम होता है कि गलत साधनों से ठीक साध्य तक पहुंच सकते हैं, और भ्रम इसलिए होता है कि हम दोनों को अलग अलग स्वीकार लेते हैं, और समय का भी अंतर होता है, इसलिए इसलिए ऐसा होता है। अब सोचें जरा से, क्या हम कड़वे बीज से हम मीठे फल पा सकते हैं? हम कड़वा बीज बो दें और मीठा फल पाएंगे? नहीं पा सकते। क्या मुर्गी के अंडा से हम आदमी तक पहुंच सकते हैं? मुर्गी के अंडा से हम आदमी तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। मुर्गी के अंडा से हम मुर्गी तक ही पहुंच सकते हैं, है ना? मतलब अंडे में जो छिपा है मुर्गी में प्रकट हो गया, सीधी सी बात है। अंडे में जो छिपा है वो मुर्गी में प्रकट हो गया। अंडे और मुर्गी में जो फर्क क्या है? वो दो चीजों का नहीं है, छिपा है, अंडे में छिपा है वो मुर्गी में प्रकट हो गया। बीज और वृक्ष में भी वही फर्क है, बस वही फर्क है, बीज में जो छिपा है वो वृक्ष में प्रकट हो गया। मतलब साधन और ध्येय में उतना ही फर्क है। इसलिए गलत साधन कभी ठीक सिद्ध ठीक साध्य तक ले जाने वाले नहीं हो सकते हैं। गलत साधन कभी भी ठीक साध्य तक ले जाने वाले नहीं हो सकते हैं। ये सारे विवरण में क्यों दे रहा हूं, ये सारे विस्तार में क्यों दे रहा हूं? मतलब यह हुआ, अभी हम और आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये क्या है? ये साधन है, ये साधन है, और ये इसकी प्राप्ति होगी आगे चल करके, ये प्राप्ति होगी। देखिए, आज के गर्भाशय से कल का जन्म होता है, जो कल आएगा ना वो कोई अलग नहीं होगा, वो आज से ही निकलेगा। आज क्या कर रहे हैं वो कल प्रकट हो जाएगा। मतलब यह हुआ कि यदि हम घृणा का उपयोग करते हैं, यदि हम घृणा के साधन का उपयोग करके प्रेम तक पहुंचना चाहें, नहीं हो सकता है। घृणा के साधन का उपयोग करके हम प्रेम तक पहुंचना चाहें तो नहीं हो सकता, ये गलत है। घृणा के साधन से चल करके अंततः हम बड़ी घृणा में पहुंचेंगे, समझ रहे हैं ना? घृणा का हम अभी, यदि हमारे, इसको मैं और स्पष्ट करूं, यदि अभी मन में घृणा है तो क्या कल प्रेम आ जाएगा? और घृणा बढ़ती चली जाएगी। यदि मुझे सचमुच प्रेम को पाना है तो मुझे प्रेम से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा ना, कड़वा बीज बो करके आप और हम मीठा फल नहीं पा सकते हैं, शुरुआत ही गलत है। इसलिए यदि मैं सोचूं कि हिंसा का साधन लेकर के मैं अहिंसा तक पहुंच जाऊं, क्या संभव है? हिंसा का साधन लेकर के, या आप कहें क्या होता है, आज मैं ये कर लेता हूं कल से फिर वैसा कर लूंगा, ये महाभ्रम है, महाभ्रम है, वो कभी आएगा नहीं, क्योंकि रोज भी वही रोज आज ही होने वाला है वो। इसलिए आज यदि नहीं बदले, देखिए परिवर्तन केवल वर्तमान में होगा, परिवर्तन ना अतीत में होगा ना उसका भविष्य में होगा, परिवर्तन
परिवर्तन अभी होगा। यदि अभी मन में घृणा है तो उसके परिणाम में उसके वो प्रेम नहीं आ सकते। तो साधन और साध में फासला है, इसलिए भ्रांति हो रही है। क्या अनुचित साधन से उचित साध्य तक हम पहुंच सकते हैं, यह हम भ्रांति इसलिए कर रहे हैं। यह बिल्कुल यह संभव है, एक विशिष्ट साधन से ही एक विशिष्ट साध्य तक पहुंच सकते हैं। कोई सिस्टम होगा, जितना साधन, अब देखिए इस चीज को बताऊं, जितना आप साधन विचारणी है, अब उतना साध्य विचारणी नहीं है। जितना साधन विचारणी है, क्यों? क्योंकि साध्य तो कल होगा, साध्य तो कल मिलेगा, साधन तो आज अपना रहे हैं, बीज आज बो रहे हैं, फल तो कल मिलेगा, फल तो कल मिलेगा, आज क्या है? इसलिए वृक्ष तो बाद में प्रकट होने वाले हैं, हम बीज का जो चुनाव कर रहे हैं ना, वो कब कर रहे हैं? बीज का चुनाव आज, आज। तो विचारणी किस पर, क्या किस पर ज्यादा विचारणी है? अब बीज पर ज्यादा विचारणी है कि अब फल पर ज्यादा विचारणी? आप और हम यदि बीज पर ही विचार कर लें तो फल तो ऑटोमेटिक आने वाला है। मतलब साधन यदि हमने सही अपनाया तो साध्य का तो सही होना ही है, होना ही है। महत्वपूर्ण तो साधन ही है, क्योंकि वह हमें आज चुनना है, और जो हम आज करेंगे वह हम कल हो जाएंगे। साध्य का मूल्य क्या है? साध्य का मूल्य इतना है कि वह हमें साधन चुनने में अर्थपूर्ण बना दे। गलत साध्य कोई चुनेगा तो गलत साधन अपनाएगा, सीधी सी बात है। कोई हिंसा करना चाहे, कोई चोरी करना चाहे, कोई विचार करना, ये साध्य ही गलत है तो साधन भी गलत होगा। लेकिन कोई परम शांति का अनुभव करना चाह रहा है, मन में प्रेम और मैत्री का अनुभव करना चाह रहा है, और आज कहीं घृणा कर रहा हो, आज द्वेष और नफरत हो, क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? नहीं हो सकता है। इसलिए साध्य का इतना ही मूल्य है कि अब हम ऐसे साधन चुने जो कि प्रेम से शुरू हो। मतलब यदि शांति से शुरू हो, यदि मैं शांति का अनुभव करना चाहता हूं, यदि मैं प्रेम का अनुभव करना चाहता हूं, तो मेरी शुरुआत भी, मेरा साधन भी प्रेम से ही शुरू हो, शांति से ही शुरू हो। मतलब साधन तो प्रेम तक, शांति तक पहुंचाएगा, यदि नहीं होगा ना तो नहीं पहुंचाएगा। फिर यदि प्रेम का आधार नहीं लेंगे, शांति का आधार नहीं लेंगे, तो हमें वो शांति तक नहीं पहुंचाने वाले। मतलब यह है कि आप भविष्य, मैंने कल कहा था कि यदि नित्य रहना चाहते हो स्वयं अकेले आप ही, तो आज से ही हो अकेले, सब मिटाए प्रतापी, गुरुदेव जी की एक पंक्ति। क्या आज अकेलेपन का अनुभव होता है? क्या मन में ऐसा अकेले बैठने पर भी होता है? कितने कबाड़ आते हैं। देखिए, लोगों की भीड़ से तो हम पिंड छुड़ा सकते हैं, लेकिन जो विचारों की भीड़ है ना, वो हमें, हम खाली नहीं कर पा रहे हैं। आज नहीं करेंगे वह अनुभव तो कल कहां से हो जाएगा? इसलिए पहला कदम ही अंतिम कदम है, क्योंकि पहला कदम से ही दूसरा कदम, और दूसरे कदम से ही तीसरा कदम। कहने का मतलब, जो अंतिम कदम क्या है, वो पहले कदम की ही श्रृंखला है, क्रम है, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए यदि हम वर्तमान, अब देखना क्या है, वर्तमान को देख लें, मेरे मन में घृणा है, मेरे मन में द्वेष है, मेरे मन में नफरत है, मेरे मन में विकार है, शिकायत है। इस साधन को लेकर के जो हम चल रहे हैं, क्या उस साध्य तक पहुंच सकते हैं जिस साध्य तक हम पहुंचने के लिए संकल्प लिए हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए साध्य और साधन जो हमने अलग अलग माना, नहीं, गुरुदेव जी भी कहा करते थे, जिस किसान को खेती करने में आनंद नहीं आता है, केवल उनको फसल में आनंद आता है, ठीक नहीं है, वो नहीं पा सकता है। इसी प्रकार से जिस साधक को साधना करने में आनंद नहीं आ रहा है, आज आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है, तो परिणाम में कहां से आनंद का अनुभव करेगा? उसको तकलीफ हो रही, हमें परेशान हो रहे हैं इसको लेकर के, नहीं,
किसी भी काम को करके ले कर करने से हमको लग रहा है कि मुझे दबाव में हूं, इसमें हूं, ये हूं, कुछ भी, चाहे आप व्यवस्था देख रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, और आप हम सबको लगता हो कि मैं बहुत इरिटेट हूं। क्या हासिल कर रहे हैं हम लोग? पहले खुश हो, पहले खुश हो, पहले प्रसन्न हो, फिर काम करें, फिर काम करें। परिणाम क्या होगा? परिणाम में भी खुशियां मिलेगी, परिणाम में भी प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी। इसलिए साधन भी सही हो, और साधन और फासला नहीं है, बस वही विकसित होकर के जाना है। तो आज हमें प्रेम और मैत्री को अपनाना है, आज शांति का साधन अपनाना है, आज अच्छे को अपनाना है, ताकि इसके परिणाम में भी अच्छा हम हासिल कर पाएं।